हेलो डियर स्टूडेंट, तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एंडलाइन आकलन कक्षा सातवीं का अंग्रेजी का पेपर, जो कि आपको 19 तारीख यानी कि कल होने वाला है। तो उसके लिए हम क्वेश्चन लेके आ चुके हैं कि किस तरह के आपके क्वेश्चन पेपर में आने वाले हैं और कौन कौन से क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, इनमें से आपके जो है कल के पेपर में आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सभी सब्जेक्ट के एंडलाइन आकलन के पेपर के लिए साथ में इसकी पीडीएफ चाहिए, तो वो भी हम आपको बता देंगे कि पीडीएफ कैसे मिलेगी सभी पेपर्स की आपको। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका आएगा चूज़ दी करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे हम आपको सभी क्वेश्चंस के जो है आंसर्स भी बताएंगे, तो आपको पूरी वीडियो देखनी है, बीच में स्किप नहीं करना है, ठीक है। हर क्वेश्चन के बाद हम उसका आंसर भी बताएंगे कि उसमें क्या करना है, तो ऐसा आपको साथ के साथ जल्दी से याद भी हो जाएगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपका हु इज़ आई इन दी पोएम। तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, ऐसे ही आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, ठीक है। पहले क्वेश्चन के नीचे चार ऑप्शन दिए, ट्री, तो इसमें आपका आ जाएगा ट्री वाला आंसर, ओके। फिर सेकेंड क्वेश्चन आ जाता है आपका द ट्री इज़ लाइक आ, तो ट्री किसके जैसा है। यहाँ पे भी आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, ए चाइल्ड, ए मदर, गॉड या फिर अर्थ। तो इन चारों में से कौन सा आएगा, इसमें आपका आ जाएगा सेकंड वाला ऑप्शन, ए मदर। तो आपको ए मदर याद कर लेना है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है द ट्री इज़ फेड बाय, तो देखिए यहाँ पे अनदर ट्री, मदर ट्री, गॉड और रॉबिन। तो इन चारों में से कौन सा वाला ऑप्शन आएगा आपका, तो इन चारों में से आपका आ जाएगा सेकेंड वाला ऑप्शन, मदर ट्री, ठीक है। तो इसमें आपको मदर ट्री के ऊपर टिक लगा देना है सेकेंड वाले ऑप्शन में, ठीक है। तीसरे का आएगा आपका सेकंड वाला ऑप्शन। उसके बाद आगे देख लेते हैं, द अर्थ इज़ दी पोएम कंप्रोमाइज टू, तो इसमें आपका आ जाएगा लिटिल गर्ल, सेकंड वाला ऑप्शन। अगर साथ में आपको उसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप गूगल पे जाके सर्च भी कर सकते हैं एच सी राइटिंग एंडलाइन आकलन क्लास 7। जैसे आप ये सर्च करेंगे तो वहाँ पर जो हमारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी, जहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ वाला ऑप्शन आ जाता है। अब इनके आपको सारा सभी के आंसर्स भी दिखा देते हैं। तो देखिए, पहले वाले में पोएट आएगा, सेकंड वाले में ए मदर आएगा, थर्ड वाले में मदर अर्थ आएगा, फोर्थ वाले में ए लिटिल गर्ल आएगा, और फिफ्थ वाले में आएगा आपका ब्रांचेस। तो यहाँ पर हमने सभी आंसर्स भी बताए हैं, साथ ही साथ भी बताए थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड आ जाता है, यूज़ दी एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो। तो देखिए, यहाँ पे आपको जो है फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं, ठीक है। तो ब्रैकेट में आपको दे रखी है, आपको इनकी वर्ब्स की फॉर्म बनानी है। तो देखिए, शी डैश आर्ट वर्क मेड आउट ऑफ वेस्ट, तो इसमें आपका प्रेजेंट दे रखा है, तो प्रेजेंट में आप क्या लिख देंगे इसका, प्रेजेंटेड, यानी कि ई डी लग जाएगा, ठीक है, प्रेजेंटेड। स्पेलिंग भी हम आपको लास्ट में दिखा देंगे, अगर आपको लिखनी नहीं आएगी तो। देखो, थर्ड क्वेश्चन है गॉड डैश दी वर्ल्ड, तो इसमें क्रिएट दे रखा है यहाँ पे ब्रैकेट में साइड में, देखिए तो क्रिएट का आ जाएगा आपका क्रिएटेड, ठीक है, गॉड क्रिएटेड दी वर्ल्ड। तो इसके पीछे भी आपको सेम स्पेलिंग लिखनी है और बस डी लगा देना है। उसके बाद नेक्स्ट, सानिया मिर्जा डैश दी ऑनर ऑफ एंट्रिंग इन दी ऑस्ट्रेलिया ओपन, तो इसमें आएगा अचीव्ड, इसमें भी आप डी लगा देंगे लास्ट में। तो देखिए, छः के छः क्वेश्चन थे, दी प्रेजिडेंट डैश दी विनर कॉन्ग्रेचुलेट, तो कॉन्ग्रेचुलेट के पीछे भी आपको डी लगा देना है। तो देखिए, यहाँ पे सभी स्पेलिंग्स के पीछे हमने बस डी लगा रखा है, तो ये सिंपल सा आपको ये कर लेना है। उसके बाद मैच दी फॉलोइंग आएगी, तो देखिए मैच दी फॉलोइंग में आपको जो करेक्ट है ऑप्शन है उसको उसी से मिलाना है। तो यहाँ पे हमने सामने करेक्ट लिख दिए हैं, ठीक है, तो ये करेक्ट एकदम, जैसे कि लाइक को आपको मिलाना है डिसलाइक से, सोरो को हैप्पीनेस से, रिमेंबर को फॉरगेट से, नोटिस को नेगलेक्ट से, और केयरफुल को मिलाना है आपको केयरलेस से। तो ये आपकी मैचिंग हो जाएगी, एग्ज़ाम में भी आपको ऐसे करके आना है। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स आर्टिकल्स लिखने हैं आपको, ए एन और द, ठीक है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका आई हैव डैश इंकपोट, तो देखिए ए ई आई ओ यू, तो इनके आगे क्या लगता है, ये वोवल्स होते हैं, इनके आगे जो है एन लगता है, ठीक है। तो इसमें आपका ए एन एन आ जाएगा, दिस इज़ ब्लैक बोर्ड, तो इसमें आपका ए आ जाएगा, अर्थ इज़ राउंड, इसमें आपका द आ जाएगा, ठीक है, ही सा डैश एलिफेंट, इसमें आपका एन आ जाएगा। तो यहाँ पे पांचों के आंसर भी दिए गए हैं, पहले वाले में एन आएगा, सेकंड में ए आएगा, थर्ड वाले में डी आएगा, फोर्थ में एन आएगा, और फिफ्थ में भी आपका एन आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, गिव द अपोजिट जेंडर ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि आपको जो है जेंडर लिखना है, ठीक है, इनके अपोजिट लिखना है। तो जैसे कि बॉय का गर्ल होता है, ऐसे ही आपको इनका अपोजिट लिखना है। तो हिमसेल्फ, हिमसेल्फ का आपका आ जाएगा हर सेल्फ, ठीक है, नाइस का आ जाएगा आपका नेफ्यू, मिल्कमैन का, मिल्कमैन रहेगा एम ए एन दे रखा है क्वेश्चन में, आपको बस वो एम ई एन लिख देना है। लाइन का आ जाएगा लाइनेस, ठीक है, तो ये आपके जेंडर हो गए। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं, कौन कौन से आपके क्वेश्चन आंसर आने वाले इंपॉर्टेंट है।
तो इनको भी आप कर लीजिए। आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट इज निर्मल हरिडे। ठीक है, तो निर्मल हरिडे क्या है, निर्मल हरिडे जो है एक होम है। तो आंसर में आपको लिखना है, यहाँ पे इनका आंसर भी साथ के साथ दिया हुआ है हर क्वेश्चन के नीचे, निर्मल हरिडे इज अ होम फॉर दी डेस्टिट्यूड सिक एंड डाइंग पुअर्स। ठीक है, उसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट डज आई रेफर टू इन दी पोएम। तो इसमें आपका आंसर आ जाएगा, इन दी पोएम आई रेफर्स टू अ पोएटेस एज अ चाइल्ड। ये वाला आप कर लेंगे। उसके बाद अपना थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए, हु डिड द एग्जीबिशन एंड व्हेन डू यू थिंक इट स्टार्टेड। तो इसमें आपको आंसर में लिखना है, द एग्जीबिशन एंड ऑन द 20 सितंबर एंड आई थिंक इट स्टार्टेड ऑन 19 सितंबर 2003। उसके बाद फोर्थ वाला क्वेश्चन देख लीजिए, व्हाई डिड आशा फील डैट हर पेरेंट्स वर पार्शियल। आशा फेल्ट डैट हर पेरेंट्स वर पार्शियल बिकॉज सी हैज़ टू गेट अप अर्ली बट दे नेवर वेक अप बन टू हर लिटिल ब्रदर। तो ये वाले क्वेश्चन आप पढ़ लेना, यहाँ पे चार क्वेश्चन हो गए हैं, लास्ट देख लेते हैं। व्हेन विल द चाइल्ड बिकम सैड, द चाइल्ड बिकम सैड फ्रॉम द टुमोरो। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आप क्वेश्चन आंसर जो आपके कंप्लीट हो गए हैं, उसके बाद ट्रू फॉल्स देख लेते हैं। ट्रू फॉल्स भी आपके एग्जाम में आने वाले हैं, तो इन सभी क्वेश्चन को आपको छोड़ के नहीं जाना है, घर के जाना है। वर्ड मीनिंग आ जाते हैं, वर्ड मीनिंग हिंदी में दे रखे आपको, इनकी इंग्लिश बना के लिखनी है। यहाँ पे हमने इंग्लिश बना के सामने लिख रखी है इनकी, तो एडमायर का लिखना है आपको। तो एडमायर का आ जाएगा आपका ADMIRE, एडमायर। ठीक है, भूस्खलन तो इसमें आपका आ जाएगा लैंडस्लाइड। नेक्स्ट चेयरमैन, तो चेयरमैन की स्पेलिंग बहुत ईजी है, इसको आप लर्न कर लीजिएगा। उसके बाद भूकंप, तो भूकंप को इंग्लिश में कहते हैं अर्थक्वेक, तो ये आपके वर्ड मीनिंग हो गए। उसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, ट्रू फॉल्स आ गए आपके, दी चिल्ड्रन ऑफ चैरिटी होम यूज्ड टू इंजॉय क्रिसमस पार्टी एवरी ईयर। तो इसमें आपका ट्रू आ जाएगा, यानी कि ये राइट है। इनके आंसर साथ के साथ दे रखे हैं। नेक्स्ट, दी एनवलप कंटेन 1000 रुपीज़ नोट। तो इसमें आपका फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, फॉल्स मतलब ये सेंटेंस आपका गलत है। उसके बाद आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट, मैनी टाइम्स दी इनमेट्स ऑफ द चैरिटी होम हैड नो क्रिसमस पार्टी। तो इसमें आपका फॉल्स आ जाएगा, द म्यूनिसिपल अथॉरिटीज रिफ्यूज टू प्रोवाइड हर अ प्लेस फॉर द पुअर। तो इसमें आपका फॉल्स हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने क्लास 7 का जो इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे एंडलाइन आकलन के, वो सभी आपको बता दिए, साथ में आंसर भी आपको बता दिए हैं। और सभी सब्जेक्ट के एंडलाइन पेपर के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप HC राइटिंग एंडलाइन आकलन क्लास 7 सर्च करेंगे गूगल पे, तब भी जो है हमारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी, वहाँ पे सभी सब्जेक्ट आपको पेपर मिल जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।